कुछ मसाइल की निशानदही। भाई मैं शुक्र गुजार हूँ काजी मोहम्मद इकबाल साहब का कि उन्होंने अपनी शर्त पर सुनवाते हुए बच्चों के लिए 5,000 रुपए देने का ऐलान। ये थे जी सरपरस्ते आला जनाब सलीम भट्ट साहब जी, कुछ निशानदही फरमा रहे थे मसाइल की। मैं अब मुल्तमिस हूँ हमारे इलाके के MPA एक्टिव पर्सन जनाब मोहतरम अमीर मोहम्मद खान साहब आए और अपने ख्याल का इजहार फरमाएं। जनाब अमीर मोहम्मद खान साहब भरपूर क्लैप कीजिएगा। शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों भाइयों अस्सलामुअलैकुम। बदकिस्मती से आज मेरा गला इतना ठीक नहीं है, टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है। मैं मुख्तसर 2-3 गुजारिशात करना चाहूंगा। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, इसमें जनाब चौधरी सलीम भट्ट साहब ने इस इदारे के प्रिंसिपल साहब, उनके असातिज़ा कराम और ये ख़ास तौर पे नन्हे मुन्ने बच्चों ने इस प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मैं ये समझता हूँ कि ये एक इंतहाई अच्छा और आला प्रोग्राम था। जैसा कि चौधरी सलीम साहब ने फरमाया अपनी जब वो बात कर रहे थे कि हमें भी, मतलब मुझे या जो उस इलाके के मकामी नुमाइंदे हैं मैं और मजीद खान, तो हमें भी अपने बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाने चाहिए। उसमें मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर मेरे और मजीद खान के बच्चे स्कूल में, सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं, तो वो एक स्कूल में लेंगे, दो स्कूलों में लेंगे, बाकी ये जो हमारे सैकड़ों स्कूलों में हजारों बच्चे हैं उनका क्या बनेगा। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इज्तमाही तौर पे चाहे किसी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हो चाहे ना पढ़ रहे हो, ये हमारे अपने बच्चे हैं, ये हमारा अपना इलाका है। हमारी कोशिश ये है कि हम इस पूरे इलाके की जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी इदारे हैं, हम उनकी बेहतरी के लिए काम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से सिर्फ इन 10 महीनों में डिस्ट्रिक्ट बखर के स्कूलों के लिए 22 करोड़ रुपए यहाँ पे लग चुके हैं। उनमें गवर्नमेंट स्कूल्स की मिसिंग फैसिलिटीज, उनके नए कमरे और उसके अलावा जो उनकी ज़रूरियात हैं, बिजली वगैरह, लेटरिन ब्लॉक जो मिसिंग फैसिलिटीज़ में है, और इसके साथ साथ नए टीचर भर्ती हो चुके हैं जहाँ पे असातिज़ा की कमी है, वो उनकी अपॉइंटमेंट भी हो चुकी है, बहुत जल्द वो भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे। लिहाजा मसला खुद की सेल्फ प्रोजेक्शन या खुद की खुद नुमाई नहीं है कि मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल करा के अखबारों में तस्वीरें छपवा दूँ और मजीद खान ऐसे अपने बच्चों को करवा के TV पे प्रोग्राम चला दें, अखबारों में सुर्खियाँ लग जाएं, उस एक या दो स्कूल की हालत बेहतर हो जाए और बाकी हमारे बच्चे जो हैं उनकी स्कूलों की हालत बेहतर ना हो, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर और अच्छी ऑप्शन। और अच्छी बात यह है कि हम अपने जो ये हमारे अपने बच्चे हैं, ये हमारा अपना इलाका है, हम इंसानों की बेहतरी के लिए काम करें और हम कर रहे हैं काम, ये हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा फर्ज है और ये इंशाल्लाह ये फर्ज हम करते रहेंगे। और एक बात तो तयशुदा है, अंडरस्टूड है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कोई भी मुआशरा, कोई भी इलाका, कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहां पे तालीम आम ना हो, जब तक उसके बच्चे तालीम याफ्ता ना हो, जब तक उसकी जो नई जनरेशन है, जो नौजवान है,
دور حاضر کی جو جدید تعلیم ہے اس سے آراستہ نہ ہو, تب تک کوئی بھی معاشرہ, کوئی بھی ملک, کوئی بھی علاقہ ترقی نہیں کر سکتا. لہذا اس طرح کے پروگرام, اس طرح کے چودھری سلیم بٹ صاحب جیسے لوگ جو اس کار خیر میں اتنے عرصے سے شامل ہیں, حصہ لے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گزارش میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں, پوری دنیا میں کہیں پہ چلے جائیں, کسی تعلیم یافتہ, کسی ترقی یافتہ ملک میں چلے جائیں, ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا, ایک ایم بی اے بھی کچھ نہیں کر سکتا, ایک ایم ایل اے بھی کچھ نہیں کر سکتا, جب تک سارا معاشرہ اس کے ساتھ نہ ہو اور اس کو اپنا اپنا کردار نہ ہو. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے, جو میری ذمہ داری ہے, میں آپ کے ساتھ ڈال دوں, جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ میرے ساتھ ڈال دیں. ہر انسان کو, ہر فرد کو, ہر طالب علم کو, ہر استاد کو, ہر کاشتکار کو, کاروباری کو اپنا اپنا کردار اس معاشرے کی بہتری کے لیے ادا کرنا پڑے گا, تب جا کے ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا. جو جو بھی یہاں پہ یہاں کی علاقے کی مشکلات ہیں, علاقے کی پریشانیاں ہیں, یہاں پہ جو بھی مطالبات ابھی پیش کیے گئے اس میں انشاءاللہ تعالی ہر مسئلے پہ, ہر بات پہ 100% ہم کنسیڈر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ 100% سارے کام. اور آخر میں میں دوبارہ ادارہ حاضر کے پرنسپل, یہاں کے یہ ننھے منھے بچے, طالب علم, ان کے والدین, اساتذہ کرام, تمام لوگوں کو اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے پہ اور اتنے اچھے انتظامات کرنے پہ دلی طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور خاص طور پہ چودھری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا انتظام کیا. بہت شکریہ جناب امیر محمد خان صاحب. اب ایک چھوٹی سی نظم پیش کریں گے مولانا فیض صاحب, تشریف لائیں جی مولانا فیض صاحب. یونیفارم اور کتابیں غریب بچوں کے لیے,
का असूल, ये इदारा दर्श, ये इदारा दर्शंदतर अपनी मिसाल ही आप है, ये इदारा दर्शंदतर अपनी मिसाल ही आप है। जिसके ऐवा में हुआ है काजी इकबाल, जिसका जिसके ऐवा में हुआ है इकबाल काजी का नजूर, ये इदारा दर्शंदतर अपनी मिसाल ही आप है। जिसके ऐवा में हुआ है इकबाल काजी का नजूर, तालीम दीनी और दुनियावी का ये सर चश्मा है, तालीम दीनी और दुनियावी का ये सर चश्मा है, मुंतजिम सलीम और मुमताज बाजी का असूल, तालीम दीनी और दुनियावी का ये सर चश्मा है, मुंतजिम सलीम और मुमताज का आला असूल। डॉक्टर अब्दुल कदीर की ख्वाहिशों का तर्जुमा, डॉक्टर अब्दुल कदीर की ख्वाहिशों का तर्जुमा, रोज शब ये तय, रोज शब तय कर रहा है मंजिल ब मंजिल का उसूल। अज़्म हिम्मत को रखे अपनी गरीबी में, अज़्म हिम्मत को रखे अपने गरीबी में बुलंद, तुम्हारे आगे मान पड़ जाए सुरैया का जुलूल। इस इदारा में बने कुछ सायस्दा कुछ मुजाहिद नामवर, तारीख दोहराए तुम्हारा मामले दुनिया अनुकूल। समझ नहीं आया शेर मेरा आपको? इस इदारा में बने कुछ सैसदा कुछ मुजाहिद नामवर, तारीख दोहराए तुम्हारा मामले दुनिया नकूल। फूले जिगर दे दे के पाले इस चमन के लालजार, फूले चमन दे दे के पाले इस चमन के लालजार, फिरदौस और ममताज कर ले अपनी मेहनत को वसूल। इस इदारा के लिए जो है मुआविन जो है मुमित, उन पे हो नुसरत खुदा की और रहमत का नुज़ूल। आखिरी मेरा शेर है, इस गुलिस्ता के तज़य्युन में रहा कुछ ज़ौक़े फ़ैज़, इस गुलिस्ता के तज़य्युन में रहा कुछ ज़ौक़े फ़ैज़, मेहराब मस्जिद और फारम की अमानत बाशमूल। वस्सलाम। किसकी खुशबू से है दरो बाम महके महके, कौन जलता है तेरे शहर में संदल की तरह। तो मेरी मुराद है जनाब अब्दुल मजीद खान साहब आए और मुख्तसर सा खिताब फरमाएं, भरपूर तरीके से इस्तकबाल कीजिए।